दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर बीएसपी की अहम बैठक चल रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है, जहां पर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिसमें बीएसपी के सांसद, प्रदेश के कई नेता शामिल है। बीएसपी के दिल्ली ऑफिस में ये मीटिंग चल रही है, जहां पर मायावती, सतीश चंद्र मिश्र, मुनकाद अली शामिल है और पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी शामिल है। तो मायावती को सत्ता रहा है, पार्टी खत्म होने का डर, और सपा और कांग्रेस बसपा में कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे हैं, और ऐसे में बसपा नेता सपा और कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं रुख। तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद बैठक की थी, अब पिछले एक साल से बसपा पदाधिकारियों के साथ एक भी बैठक नहीं हुई। ऐसे में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव पर भी निर्णय यहां पर लिया जा सकता है। तो स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 सीटों पर चुनाव होंगे। तो बता दें कि दिल्ली में बीएसपी की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती शामिल है और इसके साथ ही पार्टी के तमाम वो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, वो पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनकी पहले एक बार पहले बैठक हुई थी, लेकिन अब 2022 का कहीं ना कहीं लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर कहीं ना कहीं अब बीएसपी जुटती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सत्ता का जो डर है वो यहाँ पर डरा रहा है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी वक्त से बीएसपी जो है वो यूपी में नजर नहीं आ रही है। जो कहीं ना कहीं एक वक्त था, एक दौर था कि बीएसपी का बोलबाला रहता था, लेकिन अब हाल के समय में जिस तरह से पिछड़ती चली जा रही है बीएसपी, और बीएसपी के जो तमाम नेता हैं वो एसपी और कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ये डर पार्टी के कहीं ना कहीं खत्म होने का सता रहा है, और इसी के मद्देनजर 2022 के लिए रणनीति फिलहाल बन रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित दुबे यहां पर जुड़ गए हैं। अमित, बैठक शुरू हो चुकी है, जारी है, कब तक की बैठक चलेगी, और इसके साथ ही अहम मकसद आखिरकार यही कि 2022 के लक्ष्य को लेकर किस तरह की रणनीति बने, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बसपा के जो नेता है वो छिटक कर दूसरी ओर पार्टी का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी के डर होने खत्म होने का डर है ये? जी बिल्कुल, देखिए एक घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लगभग 11 बजे के आसपास मायावती हमारे पीछे जो गुरुद्वारा रकाबगंज में बीजेपी का मुख्यालय वहां पहुंची थी, और उसके बाद बैठक शुरू हुई थी। एक घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, मायावती की भाई आनंद जो है वो बैठक में यहाँ मौजूद है, उनके भतीजे आकाश भी बैठक में मौजूद है, सबसे बड़ी चीज, और कई जो बीएसपी के सांसद हैं, चाहे अशोक सिद्धार्थ की बात करें, सतीश चंद्र मिश्र की बात करें या दानिश अली की बात करें, तमाम सांसद भी मौजूद है। अब यहाँ पे 2022 की गाइडलाइंस तैयार की जाएगी। जब नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर कहना था कि 2022 का चुनाव होना है, इसे लेके बहन जी रणनीति बनाएंगी। बहन जी ने जो रणनीति बनाई उस रणनीति का कार्यकर्ताओं यानी उन लोगों के साथ में खुलासा करेंगी, और आगे कार्यकर्ताओं को किस तरह से यूपी में प्रदर्शन करना है, किस तरह के वक्तव्य देने हैं, किस तरह से सदस्यों को जुटाना है, इन तमाम चीजों को लेके यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि कमजोरी यहाँ पर बन रही है अमित, जो पार्टी की कहीं ना कहीं कमजोरी बन रही है उसको लेकर क्या क्या समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार कमजोरी कहां पर है पार्टी की, कि क्यों जो तमाम बीएसपी के नेता है वो दूसरी ओर पार्टी का रुख कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि ये पहली बार नहीं है, और मायावती को खासतौर पर इन बातों से कुछ खास परहेज या गुरेज नहीं है, जिस तरह की चीजें जो हैं बीएसपी में लगातार होती रही है, क्योंकि मायावती का या बीएसपी का कहें एक अलग जनाधार है, वो जनाधार हमेशा उनके साथ होता है, और यही वजह है कि जब भी कोई बार पार्टी में टिकट के लिए कई बार जो है पार्टी में टिकट के लिए होड़ लगती है, क्योंकि जनाधार जो है वो एक तरफा जनाधार जो है बीएसपी का, चाहे यूपी में बात करें या अन्य को बात करें, निश्चित जनाधार है, लेकिन इस जनाधार को कैसे बढ़ाना है, कैसे लोगों को और ज्यादा शामिल करना है, क्योंकि जब सरकार अगर खासतौर पर यूपी में बीएसपी को बनानी है तो इसके लिए एक बड़ा जनाधार चाहिए, कई अन्य जातियों के भी वोट चाहिए, सिर्फ दलित वोट से काम नहीं चलेगा, और इसी को लेकर यहां पर रणनीति बन रही है। और ऐसे में जब खुद कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी को आगे करके यूपी में लगातार कई जगह, चाहे हम चुनावी जनसभाओं की बात करें या कई कार्यक्रमों की बात करें,
यूपी में लगातार प्रियंका गांधी जिस तरह से अग्रसर है, ये भी मायावती के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती वाली बात है। यही बड़ी वजह है कि प्रियंका गांधी के हर ट्वीट पे, हर भाषण पे मायावती जरूर ट्वीट करती है, यानी जरूर रिएक्ट करती है। तो यहाँ कांग्रेस से लड़ने की रणनीति, समाजवादी पार्टी से लड़ने की रणनीति, और वर्तमान में जो खासतौर पर योगी सरकार चल रही है उसके कामों पे सवालिया निशान खड़े करना, एक रणनीति जो तैयार की गई उस रणनीति के तहत यहाँ पे कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी चले देखेंगे कि जब बैठक खत्म होगी उसके बाद क्या कुछ तय होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।